नौकरी मिलेगी। तो ये मामला लगभग 20,000 बेरोजगारों का है। तो इसमें आना सिर्फ एलटी वालों को नहीं है, इसमें माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के वो निचले पायदान वाले जो कट ऑफ में एकदम निचले पायदान पे हैं उनका भी आना जरूरी है। क्योंकि अगर एलटी के भाइयों को हम लोग नौकरी दिला सकें तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की नौकरी सुरक्षित हो जाएगी। और मुझे यकीन है इस बात का कि जिन जिन भाइयों का इंटरव्यू कॉल हुआ है उन सभी भाइयों का चयन हो जाएगा। तो आए मेरे भाई, आए मेरे दोस्त, आए मेरे उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारों, अब भी वक्त है, संभल जाओ, आइए आइए, मैं बुला रहा हूँ आपको। आज मैं एक अपील करता हूँ आपसे, अपनी बेरोजगारी दूर करने की इस लड़ाई में आप हमारा साथ दीजिए। हम सब मिलजुल कर एक साथ जो है इस लड़ाई का आगाज किए हैं, इस लड़ाई को अंजाम देना बाकी है। तो ऐ मेरे भाई, ऐ मेरी बहन, सब लोग उत्तर प्रदेश के जिस जिस कोने में हो, चाहे दूरियां कितनी भी हों, लेकिन चले आओ 26 नवंबर को 11 बजे लोक सेवा आयोग, उन दूरियों को मिटाने की कोशिश करेंगे और मिलजुल कर एक नौकरी पाने की कोशिश करेंगे। तो मैं जो है इस उम्मीद के साथ कि मेरा उत्तर प्रदेश का नौजवान बेरोजगार जो बेरोजगारी के दर्द को झेल रहा है, तमाम परेशानियों को झेल रहा है, तमाम ऐसे लोगों के सवाल को जो है हर दिन हर लम्हा महसूस करता है, पूछा जाता है कि अम्मा यार कब तक तैयारी करोगे, कब नौकरी मिलेगी। तो उनको उनके सवाल के जवाब देने का वक्त आज आ गया है। तो मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगार भाइयों, आप सब लोग 26 नवंबर को 11 बजे लोक सेवा आयोग पर पहुंचिए और इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाइए। क्योंकि हमने फैसला कर लिया है कि जब तक हिंदी और सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट नहीं आ जाता, जब तक 15 विषयों का सत्यापन नहीं हो जाता और जब तक 15 विषयों के सभी चयनित भाइयों का ज्वाइनिंग नहीं हो जाता, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, तब तक हम लड़ते रहेंगे, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। तो ऐ मेरे भाई, ऐ मेरे नौजवान बेरोजगार भाइयों, सब लोग इकट्ठे हो जाओ 26 नवंबर को 11 बजे, आपकी हमें सख्त जरूरत है। मैं बहुत इंतजार कर रहा हूँ आप लोगों का, कहाँ हो आप लोग? ऐ मेरे भाई, आ जाओ, मेरे हाथ को मजबूत करो। मैं बहुत थक जाऊंगा अगर अकेले रहूंगा तो, मुझे आपकी जरूरत है। इस समय बिना आपके मैं बिल्कुल अकेला महसूस करूंगा। तो मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे नौजवान बेरोजगार साथियों, सब लोग 26 नवंबर को 11 बजे लोक सेवा आयोग के प्रांगण में पहुंचने की कोशिश करिए और अपने हक के लिए आवाज उठाइए। जब तक सबका ज्वाइनिंग नहीं होगा तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। ये फैसला करके हम लोक सेवा आयोग पर कल कूच करने जा रहे हैं, उसमें आप लोगों का सहयोग, आप लोगों की मदद और आप लोगों की मौजूदगी बेहद जरूरी है। मैं विक्की खान, प्रतियोगी मोर्चा संयोजक।